सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राम के नाम पर यह रैली निकली, इसमें आतंक कहां कहां मचाया गया भगवाधारियों के द्वारा। खुद ओवैसी ने ट्वीट करके जानकारी दी है, करौली राजस्थान, कंबाटका, हिम्मत नगर गुजरात, खैरगांव मध्य प्रदेश, गुलबर्ग रायचूर कोलार डिस्ट्रिक्ट, वैशाली मुजफ्फरनगर बिहार, सीतापुर उत्तर प्रदेश, इतना ही नहीं इस्लामपुरा गोवा, इन सभी जगह पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया और मुसलमानों पर ही कार्रवाई। अब ओवैसी के जो खिलाफ लोग हैं, देखिए मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं देश की एकता का समर्थक हूं, लेकिन यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, दिन रात ओवैसी को गरियाओ, तुम दिन रात गरियाओ, फोटो लेके चप्पल मारते रहो, जिससे तुम्हें आसानी हो, सुकून मिले करो, चलो ठीक है ओवैसी जो भी तुम सोचते हो, लेकिन ओवैसी के सामने दूसरा चेहरा रख के दिखाओ कि जितना ओवैसी बोल रहे हैं उतना कोई और बोल के दिखाए, जितना खुलकर ये बोल रहे हैं तुम बोल के दिखाओ तो तुम ओवैसी से आगे निकल जाओ भाई, सारे भारत के मुसलमान तुमको सपोर्ट करेंगे। अरे किसी मुद्दे पर तो एक हो जाओ। ओवैसी भाई बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत बेकार हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन कौम के लिए तुम्हारे लिए बोल तो रहा है, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी तो नहीं कर रहा है। हमारी कमजोरी यही है कि हमारे मौलानाओं ने, इमाम ने मस्जिद और मिंबर का इस्तेमाल हमें ही बांटने में किया, और आज इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसे हो रहा है देख रहे हैं आप, लेकिन खैर आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अब जुल्म की इंतहा इतनी हो चुकी है कि सिर्फ जो हिंदूवादी, वो जो बड़े बड़े नेता हिंदू महासभा में, इन सब में, धर्म संसद में जो कहते आए हैं, मुसलमान का बलात्कार करेंगे, मुसलमान औरतों का बलात्कार करेंगे, प्रेग्नेंट महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं का पेट चीर के पेट में से बच्चा निकाल कर उसको भी मारेंगे, ये भगवान श्री राम ने इनको सिखाया होगा, ये उनका धर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसे नहीं है, हमारा धर्म इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र होता है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं।